अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हैं। अल्लाह पाक सब तरफ खैर रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की जो वीडियो मैं बनाने लगी हूँ, ये एक छोटा सा ट्रिक कह लें, हैक कह लें, जो भी कह लें। मेरे पास बेसिकली ये मेरा मेकअप बैग है, ठीक है, और इसके अंदर ये फाउंडेशन हर वक्त होता है। सो इट्स ऑलमोस्ट 10% ये जो है मेरे मेकअप का जो है वो मेकअप बैग की स्पेस इसने कंज्यूम की होती है। प्लस ये शीशे का है, ग्लास जार है, तो इसका वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आज मैं क्या करने लगी हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक शेयर करने लगी हूँ। और इसमें एक तो ये स्पेस मेरी सेव होएगी और ये स्किन के लिए भी बड़ा ग्लोई सा और अच्छा सा फाउंडेशन जो है वो मैं क्रिएट करने लगी हूँ बाय मिक्सिंग अ फ्यू प्रोडक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड। सो तो जी, जो प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, दैट इंक्लूड्स बेका का हाइलाइटर है एक ये, ठीक है, फिर ये कवर फिक्स के ग्लिटर ड्रॉप्स हैं, दो तीन ड्रॉप्स मैं ये यूज़ करूँगी। इसमें है ट्रू मैच हाइलाइटर है, दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल, थोड़ा सा मैं ये भी डाल दूँगी। दो मेरे पास मेकअप बेसेस हैं, एक ये भी लॉरियल की है और ये भी लॉरियल की है। ये 24 आवर्स फाउंडेशन है। उसके अलावा एक ही मेरे पास मैक की फाउंडेशन है, ये इस्तेमाल करने लगी हूँ। और एक मेरे पास जो मैंने अभी आपको दिखाई थी एस्टेल ऑर्डर वाली बेस, ये इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरा SPF 50 है, क्या कहते हैं इसको, वो सनस्क्रीन, मैं इसको भी ऐड करूँगी। इसकी वजह ये है कि सुबह सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि जी अब तैयार हो रहे हो तो आप पहले फाउंडेशन से नीचे प्राइमर लगाते हो, उसके बाद आप इस पर सारी प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, आई मीन फिर आप वो लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, फिर आप मेकअप करते हो। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैंने ये जो एक छोटा सा जार लिया है, इसके अंदर मैं सारी फाउंडेशंस मिक्स करके एक ही इस जार को फिर बैग में रखूँगी। नाउ सी, इट वुड टेक ओनली 2% ऑफ द स्पेस ऑफ माई मेकअप बैग। सो जी, आपसे बातें करते करते मुझे याद आया कि मैंने प्राइमर नहीं डाला, तो ये मैं कवर फिक्स का प्राइमर ले आई हूँ। ब्लरिंग प्राइमर है, पेस वॉय लैंथ है, तो मैं ये भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी, स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी दो चाय का थोड़ा सा एक दो सिप ले लूँ। तो एक और वजह ये है इसको बनाने की कि मैंने बहुत सारी मेकअप वीडियोस में भी देखा है और सम ऑफ माय फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट वो भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि दे मिक्स प्रोडक्ट्स। और एक और कि कुछ प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, कुछ का लॉन्ग स्टे होता है, कुछ की जो है कवरेज बहुत अच्छी होती है। सो मिक्स करने से ये होएगा कि सारों के इफेक्ट्स कंबाइन मुझे एक ही प्रोडक्ट में एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कंटेनर जो है इसको खोल लेते हैं। इसको मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया है प्रॉपरली। अब इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं एस्टेल ऑर्डर की जो बेस है ये डालती हूँ। आई डोंट नो, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये कितनी रह गई है, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये अब इसमें हमने कुछ जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डाल ली, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसमें अगली जो प्रोडक्ट डालते हैं वो लॉरियल की इनफेलिएबल टोटल कवर बेस जो है इसको, इसके ऐसे भी काफ़ी थोड़ी रह गई हुई है, बट ये लें जी, इसका मैंने थोड़ी सी प्रोडक्ट ये डाल ली, ठीक हो गया। इसके बाद हम लॉरियल की जो प्रो मैट है, अगेन ये 24 आवर्स वाली जो मेरे पास एक बेस है, हम इसको थोड़ी सी स्क्वाट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम डालते हैं ये जो हमारा कवर फिक्स के ग्लिटर ड्रॉप्स हैं। अच्छा, इसको मैंने एक दफ़ा ट्राई किया हुआ है, ये अच्छी खासी जो है ना ग्लिटर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इट। ये एक, ये काफ़ी ना थिक है, दो, और ये हो गई हमारी, बड़ा मुश्किल है यार इसको तो निकालना। चलें, ये तकरीबन दो दो ढाई ड्रॉप्स चले गए, काफ़ी हैं आई थिंक। अच्छा जी, अब ये देखें, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब जो नेक्स्ट करने लगी हूँ वो मैंने आपको जो दिखाया था लॉरियल का ट्रू मैच हाईलाइटर है, इसको मैं अक्सर एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ। ये मैंने हल्का सा प्रोडक्ट जो है ये डाला है। इसको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि मैं तीन डिफरेंट तरह के जो है वो
वो यूज़ कर रही हूँ, समझ गए ना क्या ग्लो वाली चीज़ है। अच्छा जी, अब ये बेका का है, बेका का है प्रोस्कोपॉप शिमरिंग स्किन परफेक्टर लिक्विड। सो ये स्किन परफेक्टर है बेसिकली, बट ये शिमरी है। ये हो गया इसमें इतना, थोड़ा सा और डालते हैं। अच्छा ये बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है बट इट गिव्स अ वेरी गुड इफेक्ट। देखिए इतना सा रह गया मेरा भाई। मेकअप ख़त्म होता है तो बुरा भी फील होता है और अच्छा भी फील होता है कि यार ख़त्म हो रहा है, अदरवाइज़ तो आपका मेकअप जो है वो इस्तेमाल होता ही बहुत कम है। अच्छा अभी इसके बाद मैं डालती हूँ इसके अंदर ये जो कवर फिक्स हमारा ब्लरिंग प्राइमर है, ये अब मैं डालने लगी हूँ। ये देखिए ये थोड़ा इसी तरह से होता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये पूरे फेस पे जितनी फाउंडेशन की मिकदार है आई थिंक ये इतना ही होना चाहिए। ये देखिए मैं इसमें इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दी है। आई लव दिस प्रोडक्ट एज़ वेल, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होता है। इस पर लिखा हुआ है अप्लाई एवरी मॉर्निंग ऑन अ क्लीन स्किन, आइडियल टू प्राइम स्किन फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन। तो मुँह धो के आप सुबह सुबह ये लगा लें। अच्छा जी, अब जो सेकेंड लास्ट हमारी प्रोडक्ट है वो हम डालते हैं, हमारे पास है जी नेचुरल, द फेस शॉप का है नेचुरल सन फोटोजेनिक सन ब्लर। अच्छा अब होता ये है कि चूँकि आगे आ रही है आपकी खैर से ज़्यादा वाली गर्मी, तो और मैं एक यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट रेटिनॉइड, तो मुझे स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने कहा है कि मैंने सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सन ब्लॉक यूज़ करना। मतलब आई डोंट नो, आई फील जैसे स्किन पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ हुआ है, बट आई एम श्योर अब मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। अच्छा अब जो आखिरी प्रोडक्ट मैं डालने लगी हूँ दैट इज़ मैक का ये फाउंडेशन है। आई लव इट्स कंसिस्टेंसी और इसकी कवरेज बहुत बेहतरीन खूबसूरत है। आई रियली लव मैक की प्रोडक्ट्स, तो मैं ये डालती हूँ अब इसका। आजा भाई, बड़ा एटीट्यूड है भाई आपका तो। आजा 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 आजा। आई थिंक इतनी प्रोडक्ट काफ़ी होगी। चलें जी अब इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, ये इतनी सी प्रोडक्ट हो गई है मेरे पास, ठीक है, और आई थिंक ये मेरा 2-3 महीने का तो प्रोडक्ट ये बना हुआ है। आपने मुझे बताया कि नहीं मेरे बाल ख़राब हुए हुए। अच्छा एनीवेज, अब ये हो गया प्रोडक्ट, ये मैंने एक टूथपिक लिया है और अब मैं इसको इससे अच्छे तरीके से मिक्स करने वाली हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा के करती हूँ, बट अगर दिखाते दिखाते बाहर गिर गया तो फिर। हाँ जी, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन माय टीन्स ना, मैं कभी फाउंडेशन नहीं लगाती थी क्योंकि राइट अवे मेरे मुंह पे पिंपल्स और दाने और ब्रेकआउट हो जाते थे, पता नहीं क्या क्या हो जाता था। लेकिन अब आके व्हेन आई रेगुलरली अप्लाई कर फाउंडेशन, तो एक मैजिकल इफेक्ट है प्रोडक्ट का होता है। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी यूज़ हुई होती हैं, तो आपकी स्किन जो है वो उस पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट इसका आता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि जी आप ज़रूर जो है ना फाउंडेशन अप्लाई किया करें। अच्छा अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो चुकी हुई है तो आपको नज़र आ रहा है मेरे फेस पे हल्की सी स्वेटिंग हो चुकी हुई है, तो जो शाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली पसीना है। अच्छा अब ये हो गया बहुत अच्छे से मिक्स, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसका ढक्कन जो है ये बंद करके इसको ये जा रहा है मेरे बैग के अंदर। मीनवाइल मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है इसको हम करते हैं सेट विद ब्रश। अच्छा मैं यूजुअली मेरे बैग में ये ब्रश मेरे साथ ही होता है हर वक्त, तो स्पॉन्ज की बजाय मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि स्पॉन्ज आपको हल्का सा वेट करना पड़ता है, जबकि ब्रश आपको एक इंस्टेंट कवरेज भी देता है और सो जी ये मैंने हाफ फेस जो अपना इसको कम्प्लीटली इससे वो कर लिया है, कवर कर लिए। अच्छा अब हम देखते हैं इस साइड से और इस साइड से क्या फ़र्क है। यहाँ पे ऑलरेडी ब्लश लगा हुआ है इसलिए आपको इतना डिफरेंस नहीं फील होगा, बट आई सी आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ग्लोई और कवरेज फील हो रही है मुझे, और हल्की सी जो मेरी स्किन है वो
शाइन भी कर रही है। मीन वाइल इस साइड पर आप देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं अप्लाई हुआ हुआ, इट्स नॉट परफेक्टेड येट, बट आई थिंक आई लाइक दिस साइड मोर। तो जी ये थी हमारी इंटरेस्टिंग सी वीडियो अबाउट मेकअप बैग के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ स्टफ की। तो ये मेरा मेकअप बैग है और ये जा रहा है मेरे बैग के अंदर, और ये जा रहा है ये वाला ब्रश मेरे बैग के अंदर, और अब ये काफ़ी हद तक लाइट वेट फील हो रहा है, एटलीस्ट 500 ग्राम के करीब तो निकल गया वजन मेरे बैग के अंदर से। सो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं लिंक में सारी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ जो जो मैंने इस्तेमाल की हैं। तो अब देखिए कि ये सारी प्रोडक्ट अगर मैं अपने बैग में डालती तो इसका कितना ज़्यादा वेट हो जाता। खैर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट्स। सो इन सारी प्रोडक्ट्स की एक रीज़नेबल अमाउंट डाल के मैंने एक अच्छा सा फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है जो मुझे बहुत पसंद भी आ रहा है, और आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़रूर ट्राई करें, आपके पास भी जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिक्स करिए, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि क्या कैसा रहा आपका ट्रिक और कितना हेल्प हुआ इससे, और योर सजेशन रिकमेंडेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अल्लाह ताला आपको हिज़्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती के साथ रखे, आपके घर में सबकी खैर होए और पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस होए और सबकी खैर होए। आमीन सुम आमीन, टेक केयर, बाय बाय।